नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं News 21 TV। आइए देखते हैं ये खास खबर। धर्म पब्लिक स्कूल पलवल के निदेशक पवन कुमार अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें अच्छे जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा, शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आज के इस युग में सबसे दुख बात यह है कि आज गुरु और शिष्य की भावना एक दूसरे के प्रति नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। सर, शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जाए, इस संदर्भ में आप अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, मेरा नाम पवन अग्रवाल है। मैं धर्म पब्लिक स्कूल पलवल का निदेशक के रूप में काम देख रहा हूँ। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है, आज जो अध्यापक और अभिभावक, इनको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आज अध्यापक केवल, मेरा जो मानना है, वो जो अपने धर्म से, कर्तव्य से पीछे हट गया है और उसके कई कारण हैं, वो हम सबको जानकारी है कि भाई क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से आज अध्यापक अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है। तो इसलिए शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सबसे पहली ज़रूरत मेरी नज़र में ये है कि अध्यापक को अपने कर्तव्य को पहचानना पड़ेगा। साथ ही साथ अभिभावक को भी ये अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि आज अध्यापक से वो जो अपेक्षा रखता है उसको पूरा करने के लिए उनको कोई जो अधिकार अध्यापक को चाहिए वो भी अभिभावकों को देने चाहिए। और साथ ही आज जो छात्रों में एक ये सोच विकसित हो गई है कि हम तो कम मेहनत से ज़्यादा परिणाम हासिल कर सकते हैं, उस सोच को छात्रों को बदलना होगा और कठिन से कठिन मेहनत, जो परिश्रम करनी पड़ेगी, अभिभावकों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा आज कितनी देर पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है और किन गतिविधियों में वो लगा हुआ है, इन सब चीज़ों पे। सर, दूसरा हमारा जो है कि आज छात्रों में शिक्षा की कमी आज छात्रों में नैतिक शिक्षा की कमी आती जा रही है, इसकी प्रमुख वजह आप शिक्षक, अभिभावक या समाज, किन को दोषी आप मानते हैं मुख्य रूप से? देखिए, जो नैतिक शिक्षा, जो नैतिक स्तर में गिरावट आ जाई है, अगर हम, जैसा आपने पूछा है कि शिक्षक, अभिभावक या समाज, अगर हम समाज जब ले लेते हैं तो समाज में सभी आ जाते हैं। उसमें अभिभावक भी आ जाते हैं, उसमें शिक्षक भी आ जाते हैं, उसमें छात्र भी आ जाते हैं और समाज के अन्य लोग भी आ जाते हैं। क्योंकि सबसे पहला गुरु, जैसा कहा है, जो माँ बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है, यानी अभिभावक, तो अभिभावकों को ये ध्यान देना चाहिए कि आज हम बच्चे, हमारे जो टेलीविज़न पर या साहित्य जो पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, वो किस तरह के वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। साथ ही जो हमारे बच्चे हैं, अभिभावकों को ये ध्यान देना चाहिए उनकी संगति किस तरह की है। इसी प्रकार जब अध्यापक जो पढ़ाने जाते हैं, मैं उनसे कहता भी हूँ कि आज वो जो अपने जब क्लास में घुसें तो ये मान के पढ़ाएं कि मेरे छोटे भाई बहन या मेरी संतान, ये मैं उनको शिक्षा देने जा रहा हूँ। जब इस नज़रिए के साथ ये शिक्षा दी जाएगी तो स्वाभाविक रूप से जो शिक्षा में, जो समाज में नैतिक स्तर गिर रहा है, जरूर उठेगा। सर, तीसरा हमारा जो मेन आज की दौर में जो देखा जाए, सबसे ज़्यादा शायद हम समझते हैं कि ज़रूरत है यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन की। आज आपने देखा कि एक 9वीं क्लास का बच्चा अपनी टीचर को इनवाइट करता है डिनर के लिए, तो ये कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा की भी कमी है, या किस वे में उस बच्चे ने उस टीचर का सम्मान के लिए बुलाया है, क्या है? दूसरा, आज सेक्स एजुकेशन की क्या कितनी हमें ज़रूरत है और किस पाठ्यक्रम को कितना शामिल हमें करना चाहिए? देखिए, सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत मेरी नज़र में, अगर हम अगर नैतिक स्तर, जो नैतिक शिक्षा का स्तर हमारे स्कूलों का उठेगा और समाज में अगर नैतिक स्तर बढ़ेगा, जो नैतिकता आज पतन हो रहा है, अगर उसका ह्रास हो जाए, समाज में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसकी वैल्यू फिर से बढ़े, तो मैं नहीं समझता कि यौन शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी अगर यौन शिक्षा देनी पड़े तो कम से कम वो 9वीं कक्षा से वो प्रारंभ हो, इससे पहले उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। पर
इसके बजाय जैसा कि आजकल चल रहा है, बच्चे को जो बैड टच, गुड टच, केवल उतनी जानकारी दी जाए, और साथ ही साथ लगातार ये प्रयत्न हो कि छात्रों का, अध्यापकों का और कर्मचारियों का और साथ ही साथ समाज के अन्य अंगों का नैतिक स्तर बढ़े, उस पर ध्यान ज़्यादा जाए, तो वो जैसे कहते हैं ना, बीमारी के उपचार से बजाय सावधानी बरतना ज़्यादा लाभदायक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम सबसे पहली चीज़ नैतिक स्तर को ही सुधारें, उस चीज़ पर ध्यान दें, तो इस यौन शिक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सर, अंत में एक लाइन में शिक्षा को लेकर के अपने अपने छात्रों को उज्ज्वल भविष्य के लिए कोई दो लाइन है? देखिए, मैं तो केवल हर बार एक ही बात, जब स्कूल में क्लासों में जाता हूँ, एक ही बात बच्चों से कहता हूँ, अपना हम ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में लगाएं। देखिए, जिस प्रकार उनके माँ बाप का कर्तव्य है, उनका धर्म है आजीविका कमाना और उनका पालन पोषण करना, अध्यापक का धर्म है छात्रों को पढ़ाना, मैं उसी प्रकार बच्चों से कहता हूँ उनका अभी जो धर्म है, छात्र धर्म क्या है, वो है अधिक से अधिक मेहनत करके अच्छी शिक्षा हासिल करना। अगर वो अपना इस धर्म को निभाएंगे तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा का स्तर हर तरह से उठेगा, उनके बच्चों के हित में भी है, सभी के हित में।